अगर आपके घर में गिलहरी आ जाती है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसको बहुत अच्छे से रखना है। और आपको उसको क्या खिलाना है मैं बताती हूँ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। आपको अनाज इकट्ठा करना है, जैसे कि चना हो गया, गेहूँ हो गया, दालें हो गई, इन सब से एक अनाज बनाना है जो कि एक आटा बनेगा। और उसके बाद उसको 108 बार उसे हाथ में लेके मंदिर में जाएं और 108 बार उस पर जाप करें, ओम भीम क्लीम माता महालक्ष्मी नमः। और इसके बाद आप उसे 108 बार जाप करें और फिर आप गिलहरी को ये खिला दें, बल्कि कोई भी पशु पक्षी को खिला दें, आपके घर में कभी पैसों की कमी नहीं होगी और आपका घर धन से बहुत ज़्यादा भर जाएगा।